पाकिस्तान जो कि आतंक पालता है, आतंक बोया है और अब उसी आतंक से अलग अलग तरीके से चैलेंजेस पाकिस्तान भी झेल रहा है, लेकिन इन सबके बीच में चीन की बनाई हुई टनल से घाटी में घुसे हैं आतंकी। ये अभी का अपडेट है। 3 महीनों से चीन लगातार घुसपैठियों की मदद कर रहा है। बॉर्डर पर चीनी सेना ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिए हैं जिससे घुसपैठियों को मदद मिले। तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आतंकियों की घुसपैठ आसान हो सकी है। चीन की मदद से घुसपैठ की ये कोशिश हो रही है और अब घुसपैठ की ये कोशिश जो कि पाकिस्तान से मिलजुल कर चीन कर रहा है। बॉर्डर पर भूमिगत फाइबर ऑप्टिक बिछाने का भी काम चल रहा है, यानी पाकिस्तान जिसे अलग अलग वक्त पर चीन मदद करता है और जब पाकिस्तान के आतंकी यहाँ हिंदुस्तान में पकड़े भी जाते हैं तो मेड इन चाइना हथियार बताते हैं कि कैसे चीन पीछे से ही सही सपोर्ट कर रहा है लेकिन फ्रंट पर वो भारत के खिलाफ साजिशें रचता है। और अब ये खबर बीएन झासर, जिसने अलग अलग तरीके से कोशिशें जब कामयाब नहीं हुई तो चीन की तरफ से ये कोशिश घुसपैठ की, आतंकियों के घुसपैठ की और जिसे कामयाब बनाने की हर कोशिश चीन की तरफ से हो रही है। ये खबर जो है वो नई नहीं है, ये मेरे ख्याल से 2018 में पहली बार आया था कि अंडरग्राउंड टनल्स जो थे वो बने थे और ये 30 फुट डीप टनल्स हैं। ये आसान चीज नहीं है, इसके थ्रू आप टैंक भेज सकते हैं, इसके थ्रू और बाकी सब चीज भेज सकते हैं, तो ये बहुत बड़े टनल्स हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी भी इंटेलिजेंस की कमी है, क्योंकि जब इतनी डीप टनल जब बनती हैं और वो भी 150-200 मीटर के इलाके में, तो 150-200 मीटर का जो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर मोस्टली उनका शकरगढ़ एरिया है, शकरगढ़ और हमारा हिंदुस्तान का पनसर एरिया है, तो यहाँ पे जब ये टनल्स बन रहे थे तो मैं कहीं ना कहीं अपने जो इंटेलिजेंस है उसको भी दोषी ठहराता हूँ कि उनको तो ये पता होना चाहिए, वहाँ के जो लोग हैं जो देख रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान के तरफ में कुछ ये टनल बन रहे हैं, ये खुदाई हो रही है, तो ये सब तो देखी हुई चीज है। और ये मैं बहुत पहले की बात बताता हूँ, 2018 की, अब तक तो वो सारे जो टनल्स हैं जो कि वो वायर फेंसिंग के नीचे से आ रही हैं, इसको तो मतलब खत्म कर देना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ है। और ऐसे टनल जहां भी बनते हैं वहां पे हमारी प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस का सपोर्ट होना चाहिए कि हाँ फलाने जगह में टनल बन रहा है, कि और ज्यादा अटेंटिव होना चाहिए था इस तरह की चीजों में। मेजर शाह, चीन और पाकिस्तान तो मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों में जुटे रहते हैं और हर ये कोशिश होती है कि इन कोशिशों को कामयाब किया जाए, लेकिन भारत अकेला दोनों देशों से चुनौतियां झेल रहा है। बिल्कुल अशोक जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अभी जो घुसपैठी जो आए थे पाकिस्तान से, ऐसा बताया जा रहा था कि एक गुफा, एक टनल खुदा गया था जो चीन के जरिए वहां से घुसपैठी आए थे। और जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो हथियार मिलते हैं मेड इन चाइना मिलता है, तभी एक और वजह है कि वो काम नहीं करते इनके हथियार, तो इसलिए मारे जाते हैं। तो खैर, ये जो जो चीन जो है जो मदद करता है पाकिस्तान की बड़े भाई की तरह, लेकिन वही चीन अब शहबाज शरीफ को इन्होंने ठंडा दिखा दिया। जब वो 5 दिन वहां पे दौरे पे रहकर आए, भिखारी खटोरा लेकर वहां पे भीख मांगी, लेकिन उन्होंने सरकार पे एक वर्चुअली तपुचा मारा, कहां से चले आ जाते हैं, कहां कहां से पैसे मांगने के लिए। तो बेसिकली अब भी ये इसकी जो थिंकिंग थी, जो सपोर्ट थी, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ वो भी समझ लेंगे ये पाकिस्तान में इतना दम है नहीं। अभी मैंने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक हो जाते हैं और भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के बहुत सगे हैं। इन दोनों के बीच में भी जो अलग अलग तरह की खबरें हैं वो बताती हैं कि बिना स्वार्थ के कोई किसी के साथ नहीं है। इन सबके बीच में पाकिस्तान को चीन ने जोर का एक झटका दिया है, सर्वोच्च की कैटेगरी से पाकिस्तान का नाम हटा दिया है। ये भी जानना समझना जरूरी है।